ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਚੜਿਆ ਵਾ ਸੂਰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 8 ਵਜੇ ਨਹੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਹੈਲੋ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਮੈਨੇ 7:30 ਹੀ ਉਠਾ ਦਿਆ ਔਰ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ 8 ਵਜ ਗਏ ਅਭੀ ਤੋ ਮੈਂ ਨਹਾ ਨਹੂ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਕੋ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਨਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਚਾਏ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਓ ਉਸਕੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੋ ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 8:30 ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 8:30 ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਗਿਆ 11 ਵਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਧੁੱਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ ਮੇਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਸੇ ਉੱਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਵਲੌਗ ਮੇ तो आज मेरी रोटी तो वैसे अच्छी बनी है लेकिन आलू थोड़ी सी ढीली हो गई थी तो इसलिए थोड़ी सी साइड से आलू निकल रही है लेकिन बाकी स्वाद में ठीक ही है बाकी मेरे हस्बैंड बताएंगे अभी कैसी लगी रोटी थोड़ी सी नमक कम थी अभी ठीक है और थोड़ी सी आज आलू भी ढीली हो गई थी ना तो साइड से हो रही थी वो मक्खन अभी मेरी किचन क्लीनिंग झाड़ू पोछा ये सब हो गया है धूप सो रही है तो उसके सोते सोते मैंने काम कर लिया बस थोड़े से कपड़े मैंने उस दिन जो धोए थे तह लगाने हैं अभी और कपड़े धोने हैं मैं भी सोच रही हूँ कि कपड़े धोऊँ कि अभी कि शाम को धोऊँ सोच रही हूँ कि अभी धोऊँ तो मैं ही फ्री हो जाऊँगी जल्दी
छोटा मोटा फैब्रिक वगैरह कुछ होगा की मेरा रहता इतने ब्लॉग ही करे कर दी फिर एक रहता बंदा उसे कर दी की क्या ना पुजिया करी पुजिया नहीं खाने मैंने खूब बड़ी लगी है मुझे की खाने के कुछ और ले आओ और डबल रोटी ले आओ और क्या लाओगे ना फिर वो अपना हाँ नमस्कार मक्खन है कपड़े ऊपर है थोड़े से मोंटी में सेफ है ना सेफ ही है बाहर नहीं है फोन करके फ्री हुई हूँ कितने बजे 4 बजे चार बजे मैंने नहा धो के फिर थोड़ी देर में लेट गई जो बाकी काम था कपड़े भी मैं ऊपर से ले आई यहाँ पे पड़े हैं ये भी टायर लगाने हैं अभी और थोड़े से ऊपर हैं तो मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ क्योंकि काम तो होता रहेगा मुझे थोड़ी सी रेस्ट भी चाहिए होता है इंसान को क्योंकि ज़्यादा थक जाऊँगी तो फिर फ़ायदा नहीं है ना भूख को संभाल पाऊँगी ना कुछ काम कर पाऊँगी रात का तो इसलिए मैं थोड़ी देर लेट गई थी तो मैंने आके मेरे लिए अभी चाय बनाई है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी तो सुबह मैंने एक ही आलू की रोटी खाई थी तो इसलिए मैंने अमन को बोला कि मेरे लिए कुछ लेके आओ यार भूख बहुत लग रही है तो अभी गए हैं पता नहीं क्या लेके आएंगे और मेरे बालों का हाल आज कंडीशनर नहीं थी कंडीशनर नहीं किया और सीरम भी मेरी ख़त्म हो पड़ी है तो ये भी लाने हैं मैंने धोए तो है बाल लेकिन अच्छे नहीं हो गए कंगी करती हूँ मैं हाँ जी तो क्या बोले थे आप मैं अपना उलिया दिखा दूंगी तब मेरे बाल इतने खराब हो रहे थे अभी कंगी करके थोड़ी सी उलिया ठीक हुई है बालों की गुगु तो सारा थकन वक्कन सारा इधर उधर करते दब्बा गिरा के रखा है अभी मेरे पति देव मेरे लिए बना रहे हैं बन मक्खन खिड़की खोल दूँ वाली आप भी ले आओ अपना तो ये वाला जो बनमस का है अमन का मतलब सीक्रेट रेसिपी है ये कुछ इतना दिया वाला मैंने अमन के सीक्रेट रेसिपी है तो अगले वीडियो में हम
शेयर करेंगे ये वाली रेसिपी है ना। ये मैं अपने लिए अलग बनाऊंगा क्योंकि वो कोई भी सॉस सूस नहीं मांगती है। मैं सॉस सूस नहीं ना खाती, मैंने बस चलो अगले वीडियो में पता लग जाएगा क्या क्या डालते हैं। आपका अब पहले अंदर का दिखा दो। बहुत कुछ है इसके ऊपर है ना। ये देख अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी बनी है। ना ज्यादा सॉफ्ट नहीं पसंद ना मुझे। चलो अंदर के यहाँ पे बैठना। वाह देखो मन्ने वो की है, ओए की शी वो सोच में पड़ी है किसी पीछी। वाह इधर जो रखते हैं ना कितने माँ कितने जी मेरे माँ खबू खबू गरम गरम खा ली हैप्पी जैसे हैप्पी खाता है ऐसे। हाँ भाभी भाभी यहाँ पे क्या लग गया ऐसे वो गुगुने लगा दिया रोटी खिलाई ना मिर्च ज्यादा है फिर भी खाना नहीं लगती। मिर्ची लग रही है तो छोड़ दे मिर्ची ना जा। आ गई गुल्लू चार कर दे भाजी ते हाँ नहीं पीना एक तिना जी मुरब्बे ना पे दो भी नहीं तिना जी रहन दो रुक गया की कालू मदारी गो तुम नहीं बना लो अच्छा अच्छा आओ रेडी दो रेडी दो इधर भी देख लो हमारी तरफ थोड़ी सी
उबासी उबासी आ रही है सोने वाले। आज मुझे अमन ने ये वाली चैनी पहनाई है, ये किसने बोला था? आंटी ने और पवन ने बोला था कि गला खाली नहीं रखना, कुछ ना कुछ पहनना होता है, तो अमन ने मुझे ये पहना दिया नजर वाली। छोड़ नहीं हूँ, आपने कुछ पहना है मुझे, मुझे अच्छा तो नहीं लगता ऐसा वाला, लेकिन चलो कोई नहीं। तो आज बहुत बिजी भरा मेरा दिन रहा, दिन भर मतलब बड़ी थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर शाम होते होते चलो ठीक ही है, थकान ठीक हो गई, मिट गए मतलब। और बाहर हम था घूम के भी आए अभी, और फोन ले जाके वहाँ पे फेंक दिया, बोले अमन का फोन का ये ऐसा ही चलती है। तो हमारे भैया की शादी आ रही है, मैं अमन को वही बोल रही थी कि ऐसा अगर इन ये दो दिन जैसा मौसम होता तो कितना अच्छा लगता ना। तू चलो उबासी आती उधर क्यों कर दी? अब उबासी ले ही रहे हो, मैं क्या करूं? नींद आ रही है, नींद आने से नहीं होगा, होगा नींद आने से होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक नहीं सोएगी आप नहीं सो सकते। वो वेला उसकी स्क्रीन मारन दी है, तेरे तोड़ देना फोन, उधर ही तो चम्मचे मारे थे ते। हाय गार्ड तो कैसे कर रही है पोते, आईफोन है बैटरी होगी। मिन्ना मिन्ना कौन सा करना चाहिए? वो बोला मिन्ना मिन्ना, एक बार तो मैं महा ले आया वा। अंदर 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 बेटा सारा उन्होंने होता अंदर अंदर देखन आ जाए ले आगे उधर ने तीन चम्मच मारे तीन ना तीन चम्मच नाल तोड़ दा दाग हो गए वहां पे ना तोड़ दिया, फिर मैं नवा पवा ले आया गार्ड ना ही के गार्ड ही टूटा ते स्क्रीन बज गई। तो मैं क्या बोल रही थी भैया की शादी अगर इन दिनों मतलब जैसे ठंडी हो रही है थोड़ी ऐसे हो तो अच्छा होता, लेकिन गर्मी ना हो, गर्मी बहुत होगी मुझे पता है, तो है ना वो फिर आप उबासी भर जा रहे हो मेरी ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग खराब कर रहे हो, मेरा ब्लॉग बोरिंग कर रहे हो उबासी मार मार के, वैसे ही थंबनेल होगी उबासी। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होगी भैया की शादी में, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी तो चलो, फिर 10:30 हो चुके हैं अभी रात के, ब्लॉग की एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और बाहर जाए करनी इतने करनी नहीं, मतलब यहीं पे एंड कर देते हैं यहीं पे, और आगे नहीं बढ़ाते ब्लॉग को। कल एक नए ब्लॉग के साथ, ये दोनों मेरे सिर खा जाएंगे अभी, ऐसे चिल्लाते रहते हैं दोनों, तो मिलते हैं कल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इधर इधर हाल है, इधर लोग कुछ आवे मेरे ते उधर नू, तेरे को ना कुछ आवे मेरे ते, ऐसे ना लड़ते रहेंगे।